हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ युवराज शेंडगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेस टूल असेंबली है, इसके पार्ट्स कैसे ड्रॉ करने हैं क्रियो 4.0 सॉफ्टवेयर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है असेंबल्ड व्यू और इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है एक्सप्लोडेड व्यू। तो आपको यहाँ पे टोटल चार पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। एक यहाँ पे है टॉप प्लेट है, बॉटम प्लेट है, गाइड पिलर है और गाइड बुश है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटम प्लेट से। सो बॉटम प्लेट को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो व्यूज़ दिए, एक फ्रंट वे और दूसरा टॉप व्यू है। तो यहाँ पे इसके पूरे डिटेल्स डायमेंशंस दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रियो में। तो इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉटम प्लेट ड्रॉ करनी है। तो इसलिए हमें न्यू पार्ट स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो टिक मार्क है उसको रिमूव करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डैश प्लेट बॉटम और MMNS पार्ट सॉलिड सेलेक्ट करके ओके के ऊपर प्रेस करना है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टॉप प्लेन में टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 250 mm रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, 250 बाय 150 का। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच के ऊपर क्लिक करना है आपको। और स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। एक यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो सेंटर रेक्टेंगल टाइप लेना है हमें और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हाइट है इसका 250 और ये है, सॉरी ये हाइट है 150 और ये है 250। सो इस तरह का हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है, ये सर्कल 30 mm अंदर है और ऊपर 30 mm है, सेंटर उसका जो है यहाँ पे 30 mm। सो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके डायमेंशंस यहाँ पे एडिट करने हैं। सो सेंटर डिस्टेंस यहाँ से 30 mm है और इस एज से अंदर 30 mm है। ये हो गया हमारा सर्कल का पोजीशन फिक्स हो गया। सर्कल के डायमीटर कितने हैं, होल्स जो है उसके डायमीटर 525 mm। तो इसलिए हमें यहाँ पे 25 mm एंटर करना है। एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करके मिरर करना है अबाउट दिस लाइन। सो सिलेक्ट करना है, मिरर के ऊपर क्लिक करना है और सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर मिरर के ऊपर क्लिक करना है, सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर मिरर के ऊपर क्लिक करना है और सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर चार सर्कल्स ड्रॉ करके कम्प्लीट हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली ये देखो 125 mm, मतलब हॉरिजॉन्टल जो टोटल डिस्टेंस है, लेंथ है 250, एग्जैक्टली उसके सेंटर में होना चाहिए, दैट इज़ 125 mm डिस्टेंस इस तरफ से और नीचे से आप देख सकते हैं 25 mm से। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पर ये जो इक्वल साइन है इसको डिलीट करना है हमें। सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर में है। डायमेंशन में जाना है हमें, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 50 mm और उस सर्कल का डायमीटर कितना है 50 mm है। तो यहाँ पे हमें 50 एंटर करना है। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। एग्ज़िट करना है यहाँ से। एग्ज़िट करने के बाद हमें यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करना है कितना mm से एक्सट्रूड, 30 mm से एक्सट्रूड करनी है। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रूड लेंथ एंटर करनी है 30, तो ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरह हमें ये प्लेट कंप्लीट ड्रॉ करनी है। तो इसी तरह हमने टॉप प्लेट कम्प्लीटली ड्रॉ करके कंप्लीट किए हैं और इसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करो। कहाँ पर, हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव करें और एक फोल्डर क्रिएट करें, न्यू फोल्डर, यहाँ पे प्रेस टूल असेंबली
टाइप करके ओके के ऊपर क्लिक करना है हमें। ये फोल्डर क्रिएट हो गया है और वहाँ पे हमारा बॉटम प्लेट का पार्ट ओके करना है, सेव हो गया। फिर ये पार्ट को क्लोज़ करना है। तो अभी वर्किंग डायरेक्टरी में देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप के ऊपर जाके प्रेस टूल असेंबली सिलेक्ट करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है और फिर ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हमने पार्ट ड्रॉ किया है वो यहाँ पे कम्प्लीटली सेव हो गया है। इसी तरह और फिर इसके बाद हमें कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, ये कम्प्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे टॉप प्लेट ड्रॉ करनी है, तो इसलिए हमें फिर से एक न्यू पार्ट स्टार्ट करना है। टॉप प्लेट यहाँ पे जो टिक मार्क है इसको रिमूव करके ओके के ऊपर क्लिक करना है और MMNS पार्ट सॉलिड सिलेक्ट करना है ताकि हमारे डायमेंशन सब मिलीमीटर में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है। फिर हमें टॉप व्यू में जाके रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 250x150 mm का। अभी यहाँ पे टॉप प्लेन के ऊपर क्लिक करना है, स्केच के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेंटर लाइन सिलेक्ट करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे, और फिर सेंटर टाइप रेक्टेंगल लेके यहाँ पे आप ड्रॉ करना है। ये हाइट कितनी होनी चाहिए, 150। वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट है ये होना चाहिए 150, 250 होना चाहिए ओके। और फिर सिमिलर टाइप हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। ये देखो 30 mm अंदर है, 30 mm ऊपर है, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा है, 40 mm है, तो इसलिए हमें सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे। और ये डायमेंशंस आपको एडिट करने हैं, ये हाइट होनी चाहिए 30 और ये हाइट होनी चाहिए 30 और इसके बाद ये जो है ये होना चाहिए डायमीटर 40 mm। तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है और मिरर के ऊपर क्लिक करके इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है ताकि यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको हमें इधर मिरर करना है, तो इसलिए मिरर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेंटर लाइन। फिर इसको हमें यहाँ पे लेके आना है तो मिरर के ऊपर क्लिक करने का और अबाउट दिस सेंटर लाइन मिरर करने का। तो इसी तरह ये कंप्लीट हो गया। अभी इस स्केच में टॉप प्लेट के लिए ये जो डॉटेड सर्कल है ये ड्रॉ नहीं करना है। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस स्केच में तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉलिड शाफ्ट है, उसको कुछ तो एक्सट्रूड लेंथ दिया है 90 mm, तो इसलिए हमें इसी स्केच में ये ड्रॉ नहीं करना है। हमें इतना ही ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल और ये चार कॉर्नर्स के होल्स, इतना ही ड्रॉ करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करना है तो कौन से डायरेक्शन में, इसीलिए हमें फ्रंट व्यू सिलेक्ट करना है, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमें नीचे 30 mm एक्सट्रूड करना है और वहाँ से ये ड्रॉ करना है 90 mm का, 50 mm डायमीटर का एक्सट्रूड होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये डायरेक्शन फ्लिप करना है और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 30 mm और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हो गया ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये सरफेस, सबसे पहले तो हमें फ्रंट सेलेक्ट करना है, फ्रंट ओरिएंटेशन, और फिर थोड़ा इसको ऊपर की तरफ टिल्ट करना है और ये सरफेस सिलेक्ट करके स्केच के ऊपर क्लिक करना है ओके। और स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होल डॉटेड लाइन है ये एक्सट्रूड सॉलिड शाफ्ट है, तो 50 mm डायमीटर है इसका, लेकिन नीचे की सरफेस में टॉप व्यू में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम ड्रॉ करें बैक साइड के सरफेस के ऊपर, तो इसलिए हमें ये डाउन साइड नहीं ड्रॉ करना है, ये ऊपर की साइड ड्रॉ करना है ओके। हमें यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये देखो यहाँ पे सर्कल इसी सेंटर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है ओके। और इसके डायमेंशंस देखने हैं, डायमीटर 50 है लेकिन ऊपर से 100 है ओके, ऊपर से 100 है। ये फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में दिखता है, लेकिन नीचे की तरफ हम ड्रॉ करें इधर से हमें 100 लेना है, तो इसलिए हमें डायमेंशन में जाके यहाँ से ये पॉइंट का डायमेंशन हमें 100 एंटर करना है और ये डायमीटर होगा 50 mm ओके। और एग्जिट करना है और फिर इसको एक्सट्रूड करना है और उसकी लेंथ है 90 mm, सो 90 mm से एक्सट्रूड करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। अभी जाके आप ऐसा टॉप प्लेन में यहाँ पे नीचे आप डॉटेड सर्कल दिख सकता है आपको। तो इसी तरह इस पार्ट को कम्प्लीटली ड्रॉ करना है क्रियो में ओके। तो इसको सेव करना है, सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली ये देखो प्रेस टूल असेंबली है, डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर किया था उसी के ऊपर उसमें ही जाके सेव हो जाएगा इसको। ओके के ऊपर क्लिक करना है,
फिर इस फाइल को हम क्लोज करने वाले। और फिर नया पार्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, गाइड पिलर है तो हमें गाइड पिलर को ड्रॉ करना है। तो न्यू पार्ट है, यहाँ पे हमें टाइप करना है गाइड पिलर, और यहाँ पे जो टिक मार के उसको रिमूव करके ओके के ऊपर क्लिक करना है। एमएमएनएस पार्ट सॉलिड ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू दिया है, तो हम राइट हैंड साइड व्यू में सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसलिए हमें राइट प्लेन सेलेक्ट करना है और स्केच के ऊपर क्लिक करना है, और फिर सर्कल ड्रॉ करके सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करना है, और सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल का डायमीटर कितना होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, 525 है। सो हमें यहाँ पे एडिट करना है, 25 एंटर करना है और एग्जिट करना है, इतना ही ड्रॉ करना है और एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे हमें कौन से टाइप का एक्सट्रूड करना है, सिमेट्रिक एक्सट्रूड करना है, और उसका टोटल लेंथ यहाँ पे दिया है 200 mm। सो यहाँ पे 200 mm टाइप करना है, तो ओके के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्पर दिया है, 2x45 चैम्पर, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चैम्पर सेलेक्ट करना है, 2x45 मतलब डिस्टेंस x45। सो 45x D टाइप का सिलेक्ट करके यहाँ पे 2 एंटर करना है। एंटर के ऊपर प्रेस करने के बाद फिर इस एज को सिलेक्ट करना है हाईलाइट होने के बाद, और फिर थोड़ा रोटेट करके कंट्रोल प्रेस करके हमें इस एज को सिलेक्ट करना है, ताकि दोनों एजेस एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाएंगे, और ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह ये गाइड पिलर कंप्लीट हो गया, इसको सेव करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। इस फाइल को हम क्लोज करने वाले इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइड बुश। तो इसीलिए न्यू पार्ट स्टार्ट करना है, यहाँ पे टिक मार्क रिमूव करके यहाँ पे आपको टाइप करना है गाइड बुश, ओके के ऊपर क्लिक करना है। एमएमएनएस पार्ट सॉलिड और ओके। फिर से इसको जैसे ड्रॉ किया हमने गाइड पिलर को, उसी तरह इस गाइड बुश को ड्रॉ करना है। तो राइट प्लेन सेलेक्ट करना है हमें, स्केच के ऊपर क्लिक करना है, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। उसके बाद सबसे आउटर और इनर डायमीटर देखो, 540 और 525 दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक 25 का है और एक 40 mm का है, ओके। एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करना है। टोटल एक्सट्रूड लेंथ है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे हमें 60 एंटर करना है, लेकिन वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सिमेट्रिक सेलेक्ट करना है और ओके के ऊपर प्रेस करना है। फिर सिमिलरली हमें यहाँ पे भी चैम्पर है 2x45, तो दोनों एजेस को हमें चैम्पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे चैम्पर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 45, एक 2 ऑलरेडी है, फिर इस एज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके इस एज को सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरह सभी पार्ट्स ड्रॉ करके यहाँ पे हम सेव करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर इस फाइल को क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रेस टूल असेंबली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट्स है, ये देखो ये टॉप प्लेट है, ये गाइड पिलर है, ये गाइड बुश है और ये बॉटम प्लेट है। इसी तरह हमने जो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर सभी पार्ट्स सेव हो गए। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो प्रेस टूल असेंबली है उसको इजी वे में कंप्लीट करना है क्रियो सॉफ्टवेयर में,